morning, students. कल मैंने आपको पेज नंबर 10 तक का होमवर्क दिया था करने के लिए. ये सारा पेज आपको होमवर्क दिया. आई होप आपने कर लिया होगा. व्हाट प्रॉब्लम? बैट प्रॉब्लम अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे. जब हमारे यहाँ सारी बुक्स की एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी तब ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा थर्ड क्लास का फाइनल का बैट प्रॉब्लम है. जैसे कि आपको देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा किलोमीटर. और अभी मैंने आपको प्लस माइनस के सम्स रिवाइज नहीं किए, तो अभी हम इसको ड्रॉप करेंगे. जब हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसका रिविजन स्टार्ट करेंगे. तो आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रोमन नंबर. रोमन नंबर टॉपिक है हमारा. D 500, F 1000. क्योंकि हम ये डिजिट याद नहीं रख पाएंगे, I, B, X, L, C, D, M, K, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए रोमन नंबर की जब भी बात आएगी तब हम मेडिकल को याद करेंगे. मेडिकल, ठीक है. हमें कोई भी डिजिट दी गई हो उसके नंबर रोमन नंबर. रोमन नंबर कैसे लिखते हैं? रोमन नंबर की स्टार्ट करेंगे आज से हम कॉपी में लिखना. यूनिट टू डालेंगे. यूनिट टू रोमन नंबर. और यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेडिकल. या आपको हाईलाइट करके लिखना है आपके रजिस्टर में. आज से हम बुक और कॉपी दोनों मेंटेन करके चलेंगे साथ में. तो आपको आज से कॉपी भी स्टार्ट करनी है. आज से डेट डाल के Thank you.
लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज लार्जेस्ट फोर
four digit number is 9999. The smallest five digit number is 10,000. Let us now write some number of five digit and their number names. Put represent bits in the abacus. Same are done for you. आपको एबाकस में इतने बिट्स डालना है. एबाकस हमने थर्ड क्लास में स्टडी की है. एबाकस के लिए हमारा होता है 10,000. यहाँ कोई बिट्स नहीं है तो 0, 0, 0. इसी तरह से हमें नेक्स्ट किया गया. इसकी स्पेलिंग भी लिखना है आपको. यह आपको बुक में ही फिल करना है. 10,004 यह आपको बुक में ही फिल करना है. नेक्स्ट उसके बाद दिया है 10,006. नेक्स्ट आपको दिया है 10,006. 10,006. अब आपको यहाँ पे फोर बिट्स डालना है. 1, 2, 3, 4. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10,006. तो हम ये बिट्स डालना है. 1. नहीं बिट्स डालना. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और यहाँ पे लिखेंगे हम 6 लिखना है. और स्पेलिंग लिखना है आपको 10,006. इसी तरह से बाकी के आप ही को करना है. पेज नंबर 17 पूरा कंप्लीट करना है आपको. अब आता है पेज नंबर. बहुत ही इजी है ये तो. आप देख ही रहे होंगे. आप सब हो ही जाएगा. ठीक है. 19 भी बहुत इजी है. चलिए फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं. Thousand one hundred.
1000, 10,000, 2,000, 10,000, 3,000, 10,000, 4,000. आपको प्लस करके उनकी स्पेलिंग भी लिखना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, जैसे जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, वन में जीरो प्लस किया वन, वन का वन। तो ये हमारा हो गया 11,000। क्या हो गया बेटा? 11,000 यहाँ पे गिवन दिया गया है। देखिए दिख रहा है आपको बुक में, यहाँ देखिए पेज नंबर 18 पे। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से करेंगे, जीरो, जीरो में जीरो एक किया जीरो, जीरो में जीरो एक किया जीरो, जीरो में टू एक किया टू, वन। क्या हमारा होगा 12,000। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टी डब्ल्यू एल बी थाउजेंड। नेक्स्ट इसी तरह से क्या जाएगा 13,000, नेक्स्ट 14,000, 13,000, 14, 14,000। बाकी का आपका होमवर्क है, आपको खुद ही फिल करना है। ये आपको फिल करना है बुक में, पेज नंबर 18 हम बुक में ही फिल करेंगे। 4, 10। नेक्स्ट पेज आता है हमारा पेज नंबर 19, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 हम कॉपी में फिल करेंगे, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 हम कॉपी में लिखेंगे। लिखा है राइट द नंबर एंड नंबर नेम for the following, for 10,000, for 10,000, for 10, मैं short लिख दे रही हूँ 1,000, यहाँ पे आपको bracket दिया गया है और यहाँ पे आपको इसकी spelling लिखना है, ठीक है? For 10,000, 1, 2, 3, okay?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,516. राइट द नंबर फॉर द गिवन नंबर नेम वन इज गिव अस द एग्जांपल 17,516 जो कि हमें दिया गया है 17,516. नेक्स्ट डिजिट दिया गया है 90,448. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट आपका दिया है 27 जी का आंसर है. दिया है 27,283. नीचे आपको स्पेलिंग दिख रही है, ये आपको खुद ही फिल करना है. ये भी आपका होमवर्क है. अब हम कल स्टार्ट करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय.